के बाद एक पार्शल एक्सपेंशन भी हुआ था, आज जो है फर्दर एक एक्सपेंशन हमारी स्टेट बॉडी का हो रहा है, जिसमें हमारे आफताब इनको हमने स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। साथ में इनके हमारे रविंदर सिंह मनहास जी हैं, ये हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट बने हैं। साथ में महेंद्र सिंह जी हैं, ये हमारे जोन जोड़िया के प्रेसिडेंट बने हैं। एक तो हमारा सबसे पहले ये इशू था कि हमने ये अपनी बॉडी जो है इसको एक्सपेंड करना था, पोर्टफोलियो होल्डर्स को अनाउंस करना था, और दूसरा जो हमारे बड़े लॉन्ग पेंडिंग इशूज हैं उनको भी आपके माध्यम से हम गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहते थे, एलजी महोदय तक पहुंचाना चाहते थे, और उम्मीद करते हैं कि उन मसलों को गंभीरता से लेते हुए उन मसलों का निपटारा जो है वो किया जाएगा। सबसे पहले मसला जो हमारा ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर है कि जितने भी आरटी बॉर्न हमारे टीचर्स हमारी जम्मू कश्मीर में हैं, जो लगभग 50,000 से ऊपर हैं, वो लोग जो हैं जब से डिपार्टमेंट में आए हैं तब से एक ही स्कूल में काम कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि इन सिर्फ 5 ईयर्स आपने हमें उन्हीं स्कूलों में रखा, हम क्लेम भी नहीं कर सकते थे ना हमने मांगा, लेकिन जब आफ्टर 5 ईयर्स आप हमें रेगुलराइज करते हैं एज ए जनरलाइन टीचर, फिर हमारे साथ सौतेला व्यवहार जो है वो क्यों किया जाता है। आज हम जनरलाइन टीचर हैं तो हमें भी ट्रांसफर पॉलिसी के दायरे में लाया जाए, और हमें उम्मीद भी है क्योंकि पिछले दिनों हमने मेमोरेंडम्स भी दिए, रिप्रेजेंटेशंस दिए, और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी महोदय ने एक मीटिंग भी उस मसले में बुलाई और उसमें संजीदा हम उम्मीद करेंगे कि हमारी ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो बने और हम लोग भी उसी दायरे में आए जैसे बाकी टीचर्स जो है वो आते हैं। उसके बाद जो इनिशियल 5 ईयर्स हमने डिपार्टमेंट में दिए हैं, 5 साल 1500 रुपये पे हमने दिए हैं, वो हम कहते हैं कि वो पीरियड आप हमें फाइनेंशियली मत दीजिए, लेकिन नोशनली वो पीरियड जो है वो हमारे सर्विस रिकॉर्ड में जुड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे लोग थे जो ओवर एज की जो वर्ज पे जो है वो अपॉइंट हुए और उनकी सर्विस 15 से 16 साल होती है जब वो रिटायरमेंट जब हो जाएंगे वो, तो उन लोगों को भी सर्विस पे या पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिल सके, वो 5 साल जो हो कम से कम हमारे सर्विस रिकॉर्ड में जोड़े जाएँ नोशनली। जो कोर्ट में है उसमें हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से रिप्लाई भी चाहिए, और हम ये उनसे गुजारिश करेंगे रिप्लाई जल्द से फाइल करें और ऑनरेबल हाई कोर्ट भी जो है वो हमारे फेवर में डिवीजन बेंच का फैसला आएगा। और उससे एक और बहुत इंपॉर्टेंट इशू जो है ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर है कि जो लोग हमारी स्टेट में 2010 के बाद अपॉइंट हुए हैं उनको न्यू पेंशन सिस्टम में रखा गया है। जो मैं कहता हूं एक मुलाजम का पोस्ट रिटायरमेंट का जो उसका एक जरिया है, सोर्स ऑफ इनकम है पेंशन, उससे उसको महरूम रखा गया है, जो उसके बुढ़ापे का सहारा है उससे उसको महरूम रखा गया है। तो हम ये कहते हैं एलजी महोदय से इसलिए गुजारिश करते हैं क्योंकि ये एक स्टेट सब्जेक्ट है, पूरे हिंदुस्तान में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2004 से वो एनपीएस जो है वो लागू किया था, लेकिन हमारी स्टेट में 2010 से लागू हुआ है, तो हमारे एलजी महोदय जो है उसको रिप्लेस कर सकते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम से। तो हमारी ये गुजारिश आपके माध्यम से।